ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज जो हम देखने वाले हैं वो पांच ऐसे शेयर देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन से अभी हाल फिलहाल ये पांच शेयर है जो ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो मेरा पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं ये सभी स्टॉक RSI की ओवरबॉट जोन में गिन रहा हूँ। सो ये RSI के ऊपर है कि ये ओवरबॉट है या नहीं। और जो मेरा RSI का लेवल है वो है 70। जब भी ये 70 के अबो होगा तब मैं उसको RSI की ओवरबॉट जोन में गिनता हूँ। तो देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हाल फिलहाल 79.60 RSI बता रहा है, मतलब ये ओवरबॉट जोन में। तो देखो अभी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको जब भी ये रिवर्स का मौका दे, जब भी आपको लगे कि नहीं ये इधर से रिवर्स हो चुका है, आपने कहीं इधर पोजीशन बना के रखी है, तो आप अपना क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में। तो आप इधर से क्या है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सेल करके क्या है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। या तो एक स्टॉप लॉस लेके चलो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जितना ऊपर जाता है उतना आप चाहे हो, आप जब भी ये रिवर्स होके जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब आप निकल जाओ। तो मेरा पहला स्टॉक था HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलिए अब देखते हैं दूसरा कौन सा स्टॉक है। जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है पॉलीकैब। आप देखोगे तो इधर से आपको लगातार अप ट्रेंड में दिख रहा है, मतलब ये देखो इधर से तो ये क्या है कि अपने ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो मतलब ऐसा भी नहीं होता कि ओवरबॉट जोन में जैसे ही आता है आप उसे सेल कर दो, नहीं। जब भी ओवरबॉट जोन में और ऊपर जाके कोई रिवर्सल साइन दे तब आप क्या है कि उसको सेल कर सकते हो। जो पॉलीकैब है वो हाल फिलहाल 80.12 के लेवल पे खड़ा है RSI में। तो आप देखिए इसमें जो वन डे की कैंडलस्टिक है उसमें भी एक रेड कलर की कैंडल इसने दिखाई है। तो हो सकता है इधर साइड से इधर से नीचे भी आ जाए, लेकिन आपको देखना होगा कि ये सही से रिवर्सल हो रहा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि देखो ये कि ये ऊपर तो गया, बाद में थोड़ा कंसोलिडेट किया, बाद में ऊपर चला गया। तो आपको एक क्या है कि एक स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। ये लेवल हो गए जो आपका स्टॉप लॉस होगा, तो वो लेवल को अगर टच कर जाता है तो निकल जाओ, वरना उस तक वेट करो। कभी कभी होता है दो तीन कैंडल रेड बनाने के बाद फिर से अप चला जाए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी एक वॉच लिस्ट बनानी होगी। उसमें देखना पड़ेगा कि ये मेरे स्टॉक है, ये मैंने लेके रखे है और निचले लेवल पे लिए है। अभी हाल फिलहाल ये ओवरबॉट है तो मैं चाहूँ तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जो मेरा तीसरा स्टॉक है वो है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट एक बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन क्या है कि हाल फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ओवरबॉट हो चुका है। मेरे पास बर्जर पेंट ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा बर्जर पेंट को क्या करूंगा, अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सेल कर दूंगा। जब मेरे को प्रॉपर रिवर्सल दिख जाए तब मैं क्या है कि पूरी क्वांटिटी सेल कर दूंगा। हाल फिलहाल मैं अभी स्टार्ट किया, आज भी मैंने थोड़ी क्वांटिटी सेल की है, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अभी सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि देखो मैंने खरीदा था ये ट्रायंगल ब्रेकआउट पे, मतलब ये जब ये 350 के ऊपर गया था तब मैंने खरीदा था। देखो ये ट्रायंगल ये ब्रेकआउट होने के बाद मैंने इधर कहीं 350 के अबो खरीदा था। तो हाल फिलहाल मेरे को 520 अभी इसकी प्राइस है, 520 तो इतना मतलब बहुत सारा, थोड़े दिन में मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा अब उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करूंगा। जो इसका RSI का लेवल है वो है 76.76। तो ये भी क्या है कि 70 के अबो है, तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि नई मर्जर पेंट में मेरे को बहुत अच्छा मुनाफा हो चुका है। तो मैं धीरे धीरे क्वांटिटी सेल करता जाऊंगा, जितनी अप जाएगा उतनी क्वांटिटी सेल करूंगा। जो हमारा चौथा स्टॉक है वो है आइसर मोटर। तो आइसर मोटर भी अभी हाल फिलहाल में ओवरबॉट जोन में चल रहा है। उसकी RSI है 79.44, तो ये भी अभी हाल फिलहाल ओवरबॉट जोन में है। आप देखोगे तो उसके दो रेजिस्टेंस अभी हाल फिलहाल पास में ही खड़े, एक है ये रेजिस्टेंस लाइन जो इसका लास्ट हाई थी। तो देखो आइसर मोटर्स अभी इस लेवल पे खड़ा है जहां RSI भी ओवरबॉट में है और जो दो रेजिस्टेंस लाइन है वो भी पास में है। तो आइसर मोटर मेरे को लग रहा है कि इस लेवल के आसपास कुछ ना कुछ करेगा, या तो कंसोलिडेट करेगा या तो नीचे आ जाएगा। देखते हैं आइसर मोटर क्या करता है आगे आने वाले डेज में। जो मेरा आखिरी और पांचवा स्टॉक है वो है अवंती फीड्स। तो अवंती फीड्स को आप देखोगे एक लगातार अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है, बीच में थोड़ा कंसोलिडेट किया, लेकिन क्या है कि अभी एक गैप अप करके थोड़ा ऊपर गया, बाद में नीचे आया, फिर से एक कैंडल अपसाइड आ गई है। अभी हाल फिलहाल की जो लास्ट डे की कैंडल है वो है अनडिसीजनल। तो मेरे को लग रहा है कि अवंती फीड्स जो है अपना लेवल है 486,
वहां थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि ये इसका लास्ट आई था और ये इसका क्या है कि सप्लाई जोन है, तो हो सकता है कि क्या है कि इधर ये थोड़ा कंसोलिडेट करे और इधर से शायद नीचे भी आ जाए, क्योंकि देखो ये इधर गैप है, शायद ये क्या करे थोड़ा नीचे आके गैप फिलिंग भी कर सकता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अवंती फीड्स मैंने इसीलिए लिया, एक तो ये गैप की वजह से, दूसरा ये लाइन की वजह से जो ये रेजिस्टेंस लाइन है। अवंती फीड्स हाल फिलहाल में जो RSI का लेवल है 72.97 है, तो ये भी क्या है कि ओवरबोर्ड जोन में है। तो ये मेरे पांचों स्टॉक थे, पहले था HUL, दूसरा था पॉलीकैप, तीसरा था आइसर मोटर, चौथा था बर्जर पेंट, पांचवा था अवंती फीड्स। तो पांचों स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगाओ, देखो क्या हो रहा है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसे क्या है कि शॉर्ट सेल भी कर सकते हो या तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। और मेन बात, आप कहीं से भी सुन रहे हो तो पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोल रहा है या मैं बोल रहा हूँ तो आप उससे बाय सेल कर रहे हो, नहीं, पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए उस पर, अगर आपको सही लग रहा है तभी आप उसे बाय या सेल या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये था छोटा सा वीडियो जो मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि ये पांच शेयर है जो अभी हाल फिलहाल ओवरबोर्ड जोन में चल रहे हैं। और ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।